Smitha, a city girl in love with latest dresses and makeup, agreed to marry Dr. Ravindra Kolhe for a life in the remote part of Bairagarh. She was trained in the NCC Air Wing and had a degree in music and was also trained in homeopathy medicine. But she left it all to start a difficult life in Bairagarh with Dr. Ravindra. One day in Bairagarh, she saved the life of a villager mauled by a tiger. She sewed 450 stitches on his body. From that day, she was addressed as doctor by the villagers. Smitha Kolhe's work against sexual exploitation of village women attracted abuses and threats every day. Smitha and Dr. Ravindra Kolhe were conferred the Padma Shri in 2019. Smitha Kolhe's work speaks for itself. She stands for being the change. जो काम है ये डॉक्टर कोल्हे का है, मैं तो उनको इसे सपोर्ट करती हूँ, इसमें मेरा कुछ ये नहीं। जैसे कि इनसे शादी हुई तो इनकी 4 कंडीशंस थी। पहली थी कि 400 रुपये में घर संसार चलेगा। दूसरी थी कि धारणी से बैरागढ़, ये बैरागढ़ी था, वहाँ से 40 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। तो दूसरी ये शर्त थी कि 40 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। तीसरी ये शर्त थी कि शादी होगी तो सिर्फ 5 रुपये में होगी, बाकी कुछ नहीं। और चौथी ये शर्त थी कि खुद के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए भीख मांगने की तैयारी होनी चाहिए। तो ऐसी 4 शर्तें इनकी थी। और मैं भी, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी तो मैंने ये निर्णय लिया। ऐसा लगता है कि जब विनोबा जी का गीता प्रवचन ये पुस्तक मैं पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते जब मुझे मेरा स्वधर्म क्या है ये प्रश्न मुझे पड़ा। बहुत पैसा देखा था, मैं भी नोटा छाप रही थी एक डॉक्टर ये नाते से। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता था, पैसे आते थे, लेकिन बहुत जल्दी प्रश्न पड़ा कि इसका क्या करेंगे क्या। और जब फिर ये शर्तें और डॉक्टर कोल्हे इनका प्रस्ताव आने के बाद में मैंने 2 महीने खुद की स्टडी की और इनसे शादी करने का डिसीजन लिया। और जब शादी ली तब तक तो बहुत अच्छा अच्छा था। शादी हुई, सब कुछ दिन अच्छा लगा। और जब बैरागढ़ में जाने का वक्त आया, तकपग भी ठीक था। और जब वो झोपड़ी पूरी ऊपर से खुली है, सब दूर से, इधर से मेंढक आ रहे, इधर से सांप आ रहे, इधर से सब आ रहे, ऊपर की छत, इधर से हवाएं की वो घास फूस पूरा उड़ जाता था, तब मुझे सब दादा नानी सब याद आ गई। और ऐसा संसार हमारा चलने लग गया। जब पहला बच्चा हुआ, इनका शुरू से ही कहना ऐसा था कि एक तो बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन ये इनका स्वभाव बिल्कुल बातचीत करने का नहीं, आपसे कर लेंगे लेकिन औरत के साथ तो मुश्किल ही है। तो मुझे ऐसा लगे कि नहीं, अपने को एक इशू होना चाहिए क्योंकि ऐसे मैं नहीं जी सकती। तो ये बोले कि अपने को बच्चा होएगा तो इधर ही होएगा, नहीं तो मुझे ये नहीं कि हम यहाँ की इंडिया की बातें करते हैं और हमारा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा हो। तो ये बोले एक और करे एक, ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ठीक है, बच्चा होगा तो यही होएगा, सब कुछ ठीक लगा। जब बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी और जब पहले बच्चे का मुझे जब सोनोग्राफी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, इनको शक था कि बच्चा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वो भी ये इतना एक्सपर्ट होके भी कुछ नहीं। जब बच्चा हुआ तब ऐसी स्टेज आई कि वो बाहर ही नहीं निकले। तो इन्होंने महत प्रयास से सब कुछ इनके स्किल्स ये करके बच्चा तो निकल गया, लेकिन वो मरा हुआ ही बच्चा था।
तीनों मुंह से ऑक्सीजन था तो भी वो लगाने के लिए भी टाइम नहीं, ऑक्सीजन के सहारे फिर इन्हें मुंह से उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया, और इनके 20 मिनट के बाद उसने थोड़ा सा ऐसा किया और बॉडी की ये फेयर्स बदलने लग गए, नॉर्मल आने लग गए। और फिर जो इनको शक था तो वही सेप्टिसेमिया उसको डेवलप हुआ, और इन्होंने सब स्टार्ट किया। इनको भी समझ रहा था कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, और मुझे भी समझ रहा था। जब परदेसी साहब वहाँ सीओ करके थे और इनको पता चला कि मेरे डिलीवरी हुई और ऐसी कंडीशन है कि हम दोनों सीरियस हैं, तो इन्होंने एक जीप भेजी थी। उस समय एक जीप दरवाजे के सामने खड़ी थी और कि आपको लेने के लिए, शिफ्ट करने के लिए जीप है, और हमारे यहाँ मेहमान भी आए थे। उस समय मेरा यह निर्णय था कि क्या हर बच्चे के लिए ये गवर्नमेंट की जीप आएगी, उसका सवाल था नहीं। फिर उनके लिए नहीं तो मेरे बच्चे के लिए क्यों? आई एम वन ऑफ देम। और फिर हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ। मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर स्मिता डिसाइड करती है कि इस बच्चे को लेके जाना, तो हम सामान के साथ में चले जाएंगे, फिर से यहाँ लोगों को सर्विसेज देने की का नाटक नहीं करेंगे। वी वॉन्ट प्ले अ ड्रामा। अगर स्मिता मुझ में विश्वास करके, बिकॉज आई एम द बेस्ट पर्सन टू ट्रीट दोज पीपल, ऐसा अगर स्मिता को मुझ में विश्वास होगा तो ही हम, लेकिन ये मैंने उनको बताया नहीं। और मैंने कहा कि डिलीवरी यहाँ कंडक्ट करने का डिसीजन मेरा था, लेकिन अब आप डिसाइड करिए कि कहाँ ट्रीटमेंट करना है। रिजल्ट वही है, ट्रीटमेंट वही है, विथ अस एवरीथिंग इज अवेलेबल। जब इन्होंने मेरे ऊपर डिसीजन डाला, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनके मन में क्या खलबली चालू है, तब उन्हें एक ही पूछा कि क्या हम नागपुर या कहीं और जगह जाएंगे तो ट्रीटमेंट बदलेगी क्या, कि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है आपके ट्रीटमेंट में। तो ये बोले नहीं, तू कहीं भी जाए तो ट्रीटमेंट यही रहेगी, सिर्फ डॉक्टर बदलते रहेंगे, यहाँ बाप डॉक्टर है, और वहाँ जाएगी तो 24 घंटे में एक राउंड मारने वाला डॉक्टर रहेगा। और मैंने ये बोला कि मैंने सोचा कि यदि ये आदिवासी लोगों के भी बच्चे जब बीमार होते हैं तो ये क्यों नहीं ले जा सकते, इतनी प्रॉब्लम होती है, हम उनको धारणी शिफ्ट करते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा वक्त रहते हैं कि पूरी खेत में ज्वारी फैली रहती है, उसको वो पाखर क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो पंछी हकालना पड़ता है कि नहीं हकाले तो वो पूरी खा जाएगी, तो बाकी बच्चे क्या खाएंगे। ये बच्चा बीमार है, इसका तो जो होएगा होएगा, लेकिन बाकी जो है वो क्या करेंगे। इतनी प्रॉब्लम रहती, ढोर रहते, गैया रहती, बैल रहते, मुर्गी रहती, बकरी रहती, उनको कौन बांधेगा, उनको कौन चारा देगा, उनको कौन पानी देगा। इतनी प्रॉब्लम्स रहती है कि हम शहर के लोग नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते। जब हम उनमें उनके होके रहेंगे तब होता है। तब मैंने सिर्फ इनको पूछा, जब मैंने डिसीजन लिया, और मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, और अभी भी ये जिंदगी है कि जैसे अपने गीता में बोला है कि पूरा मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभालूंगा। तो ऐसे मैंने, अभी भी याद है कि मैंने भगवान, मेरे घर में भगवान है, उनके सामने उसको रखा और सिर्फ इतना ही बोला कि जो तेरे को मंजूर वो मेरे को मंजूर। और फिर मैंने नहीं जाऊंगी ऐसा डिसीजन लिया। तब मुझे समझाने वाले बहुत थे, फ्रेंड्स आए हुए थे कि स्मिता ये अडल्ट टट्टू है, लेकिन इसके जैसी तू मत कर, तू तो भी समझ ले और इसको ले, ये बच जाएगा। लेकिन मैंने उसको ना कहा और वही रखने का डिसीजन लिया, क्योंकि मेरी एक ही सिर्फ रिक्वेस्ट थी स्मिता को कि दुनिया मुझे भले ही कहे कि तुम्हारे हठधर्मी से डेथ हुई, तुमने मुझे ऐसा मत कहना, क्योंकि बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है उसके लिए। जो दुनिया में होगा वो बैरागढ़ में होगा। सो वंडरफुल, आई थिंक दिस इज सच अ टचिंग स्टोरी, वी नीड टू गिव देम अ बिग हैंड फॉर दिस वन।
रीता जी, इससे एक जुड़ा हुआ सवाल आप कुछ और बताना चाहेंगे? चांगला अच्छा ये है कि आज वही रोहित अभी आज दो बच्चे का बाप है और बहुत खुशी है। उसने हमारा जो खेती का काम था एग्रीकल्चर का उसने स्टडी किया और आज महाराष्ट्र में नंबर एक का वो एग्रीकल्चरिस्ट है। अभी मुझे उसकी इतनी प्रगति है और उसके इससे ही जो आज हरा भरा मेलघाट दिख रहा है उसका शेयर रोहित को जाता है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।